दोस्तों आज हमारे लिए टेस्ला और स्पेसएक्स ऐसी कंपनीज बन चुकी हैं जो आज की नहीं बल्कि कल की दुनिया को डायरेक्शन शो करने वाली हैं। और इन कंपनीज के पीछे जो सबसे बड़ी पर्सनालिटी है वो है इलॉन मस्क। बचपन से ही नई इनिशिएटिव्स और फ्यूचर प्लान्स डेवलप करने में इंटरेस्टेड इलॉन मस्क एक दिन ह्यूमैनिटी को मार्स पर सेटल करने के सपने दिखाएंगे, ये शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। आज इलॉन मस्क लगभग $300 बिलियन की वर्थ के साथ वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक हैं और उनकी बनाई कंपनीज इस दुनिया को एक नया फ्यूचर प्रोवाइड करने के प्रयास में लगी हैं। शायद यही कारण है कि आज इलॉन मस्क की जर्नी आज पूरे दुनिया के उभरते हुए एंटरप्रेन्योर्स, बिजनेसमैन और लीडर्स के लिए एक मिसाल बन चुकी है। दोस्तों आज हम इलॉन मस्क की इस जर्नी का हिस्सा बनेंगे। इस डिस्कशन के माध्यम से हम जानेंगे कि एक ऐसा बच्चा जिसके ट्रबल्ड चाइल्डहुड और रिपीटेड फेलियर्स के बावजूद आज वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में से एक है। इसके अलावा इलॉन मस्क द्वारा एनविसेज्ड फ्यूचर के ऊपर भी चर्चा करेंगे जिसके कामयाब बनने के लिए उन्होंने स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनीज को एस्टैब्लिश किया। आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श और स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। दोस्तों इलॉन मस्क का जन्म 28 जून 1971 के दिन साउथ अफ्रीका स्थित प्रिटोरिया में हुआ। इलॉन के पिता इरोल मस्क साउथ अफ्रीका स्थित एक इंजीनियर के अलावा पायलट, सेलर, कंसल्टेंट और प्रॉपर्टी डेवलपर थे। इलॉन की मां माय मस्क का जन्म कनाडा में हुआ था और वो एक मॉडल के अलावा डाइटिशियन भी थी। दोस्तों मुसीबतों ने शायद इलॉन के साथ बचपन से ही अपनी दोस्ती बना ली थी। इलॉन जब केवल 9 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का 1980 में डाइवोर्स हो गया। इलॉन ने डाइवोर्स के बाद अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया जिसे लेकर आगे चलकर उन्होंने कई बार अफसोस जताया। इलॉन के अनुसार उनका उनके पिता के साथ एक अच्छा रिश्ता नहीं रहा जिस कारण उन्हें कई मुसीबतें झेलनी पड़ी। एक इंट्रोवर्ट बच्चे होने के कारण अपने पूरे चाइल्डहुड के दौरान इलॉन को कई बार दूसरे बच्चों द्वारा बुली किया जाता था। एक बार तो उन्हें कुछ बच्चों ने सीढ़ियों से नीचे गिरा दिया था जिस कारण उन्हें हॉस्पिटलाइज करने तक की नौबत आ गई थी। इन सारी परेशानियों को झेल रहे इलॉन के लिए कंप्यूटर्स एक दोस्त की तरह बनकर उभरे। 10 साल की उम्र से ही इलॉन ने कंप्यूटिंग और वीडियो गेम्स में खुद के लिए दिलचस्पी खोज निकाली थी। पढ़ने का शौक उन्हें था ही। कोडिंग मैनुअल्स की मदद से इलॉन ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और केवल 12 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली वीडियो गेम बना ली जिसे उन्होंने लगभग $500 में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी नामक एक मैगजीन को सेल किया। दोस्तों शायद यहीं से उस इलॉन मस्क के प्रोफेशनल जीवन की शुरुआत हुई जिसे हम सब आज जानते हैं। इलॉन हमेशा से ही यूएसए जाना चाहते थे और इसके लिए कनाडा के थ्रू एंटर करना उन्हें ज़्यादा आसान लगा। साउथ अफ्रीका छोड़ने का एक और कारण था कि वह उस समय साउथ अफ्रीकन मिलिट्री सर्विस से बचना चाहते थे जो मैंडेटरी हुआ करती थी। अपनी कैनेडियन बॉर्न मदर की हेल्प लेते हुए इलॉन ने कैनेडियन पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। पासपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस होने के दौरान भी वो साउथ अफ्रीका मिलिट्री सर्विस से बचना चाहते थे जिस कारण उन्होंने 5 महीने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया में क्लासेस अटेंड की। दोस्तों इलॉन मस्क कनाडा जून 1989 में पहुंचते हैं जहां एक साल तक अपने कज़न के साथ रहते हुए उन्होंने फार्म और लिम्बर मिल में काम किया। 1990 में इलॉन का एडमिशन ऑन्टेरियो की क्वींस यूनिवर्सिटी में हो जाता है जहां से 2 साल के बाद उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। उस यूनिवर्सिटी से इलॉन 1995 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री हासिल कर लेते हैं। 1994 में इलॉन मस्क ने सिलिकॉन वैली में 2 इंटर्नशिप अटेंड की जिसने उनकी थिंकिंग कैपेसिटी को और ब्रॉडन किया। इनमें से एक इंटर्नशिप पिनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट नामक स्टार्टअप में थी जो एनर्जी स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रोलाइटिक अल्ट्रा कैपेसिटर्स के ऊपर रिसर्च कर रही थी। दूसरी इंटर्नशिप पालो आल्टो बेस्ड स्टार्टअप रॉकेट साइंस गेम्स में थी। दोस्तों इलॉन ने नेटस्केप नामक कंप्यूटर सर्विस प्रोवाइडर में जॉब के लिए अप्लाई भी किया लेकिन वहां बात नहीं बनी। इस बीच 1995 में उन्हें कैलिफोर्निया स्थित स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मटेरियल साइंस के पीएचडी प्रोग्राम में एक्सेप्ट कर लिया गया लेकिन 2 दिनों के बाद ही उन्होंने पीएचडी छोड़ इंटरनेट बूम ज्वाइन करते हुए एक इंटरनेट स्टार्टअप लॉन्च करने का फैसला किया। दोस्तों यहां से कहानी शुरू होती है उस फ्यूचर विजन इलॉन मस्क की जिन्होंने स्टेप के साथ डिसाइड किया कि अब समय आ गया है अपनी काबिलियत से इस दुनिया को एक नई दिशा दिखाने का। दोस्तों इलॉन मस्क के एक सक्सेसफुल बिजनेस का सफर यूं तो बचपन में वीडियो गेम सेल करने के साथ शुरू हुआ था लेकिन मेजर ब्रेकथ्रू 1995 में हुआ जब इलॉन मस्क ने ग्रेग कोरी के साथ मिलकर Zip2 नामक एक वेब सॉफ्टवेयर कंपनी की स्थापना की।
मैप्स और डायरेक्शंस के प्रोवाइड करने के साथ ये कंपनी न्यूज़पेपर पब्लिशिंग इंडस्ट्री के लिए एक टू वे कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करती थी, जिससे यूजर्स और एडवर्टाइजर्स एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते थे। Zip2 का एक प्रोडक्ट जिसे ऑटो गाइड कहा जाता था, वो ऑनलाइन न्यूज़पेपर यूजर्स को लोकल डीलरशिप या प्राइवेट पार्टी कार सेलर से भी कनेक्ट करने का काम करता था। इस कंपनी को बनाने के लिए इलॉन मस्क खुद बताते हैं कि उन्हें हफ्ते के सातों दिन काम करना पड़ता था। दिन के समय कंपनी वेबसाइट काम करती थी और उसे सपोर्ट करने के लिए इलॉन पूरी रात कोडिंग किया करते थे। फरवरी 1999 में Zip2 की इम्पोर्टेंस समझते हुए कॉम्पैक ने इसे $307 मिलियन के प्राइस पे एक्वायर करने का फैसला किया और अपने 7% शेयर के लिए इलॉन मस्क को $22 मिलियन मिले। दोस्तों, उसके बाद 1999 में ही मस्क ने X.com नामक एक ऑनलाइन फाइनेंशियल सर्विस और ईमेल पेमेंट कंपनी की स्थापना की। इस स्टार्टअप ने शुरू से ही सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्टअप का रूप लिया, जिससे इनिशियल मंथ्स में 2 लाख से ज़्यादा कस्टमर्स जुड़े। इसी कंपनी के आगे चलकर कई मर्जर्स और एक्विजिशन दिखे और फाइनली पेपाल का मॉडर्न रूप दिखा। 2002 में ईबे ने पेपाल को $1.5 बिलियन में एक्वायर किया, जिसमें इलॉन मस्क 11.7% के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर थे और उन्हें इसके लिए $100 मिलियन से ज़्यादा की रकम मिली। दोस्तों, यहाँ एक बात जानने वाली है कि 2017 में इलॉन ने पेपाल से X.com के डोमेन को एक अनडिस्क्लोज्ड अमाउंट के बदले वापस खरीदा, जो शायद X.com से जुड़े उनके सेंटिमेंटल वैल्यू को शो करता है। दोस्तों, शायद 21st सेंचुरी इलॉन मस्क के लिए भी एक नई सुबह लेकर आया था। पेपाल द्वारा मिले रिटर्न्स ने इलॉन मस्क को अपने सपने की ओर बढ़ने का बूस्ट प्रोवाइड किया था। साल 2001 में इलॉन मस्क एक नॉन प्रॉफिट मार्स सोसाइटी से जुड़ते हैं, जो मार्स पे ह्यूमन सिविलाइजेशन को सपोर्ट करने के लिए वहाँ प्लांट्स का एक ग्रोथ चैम्बर प्लेस करने की प्लानिंग कर रही होती है। इलॉन मस्क इस आइडिया से इतने प्रभावित होते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट को खुद फंड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस ग्रोथ चैम्बर को मार्स तक पहुँचाने के लिए एक बेहद सोफिस्टिकेटेड और एफिशिएंट रॉकेट की ज़रूरत पड़नी थी, जिसे पूरा करने अक्टूबर 2001 में इलॉन रशिया जाते हैं। इलॉन मस्क का प्लान था कि रशिया से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स परचेज की जाए, जिसे इम्प्रोवाइज कर मार्स तक उन्हें पेलोड को ले जाने वाले रॉकेट का रूप दिया जाएगा। रशिया में वो एनपीओ लेवोचकिन और कॉस्मोट्रास जैसी कंपनी से मिलते हैं, लेकिन उन्हें एक नाड़ी समझते हुए रशिया के चीफ इंजीनियर्स द्वारा उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाता था। फरवरी 2002 में इलॉन फिर से रशिया जाते हैं ICBMs को परचेज करने। इस बार बात तो बनती है, लेकिन रशियन कंपनीज उनसे 1 ICBM के लिए $8 मिलियन की डिमांड करते हैं। दोस्तों, उस हाई डिमांड को देखते हुए इलॉन खुद की एक कंपनी स्टार्ट करने का फैसला करते हैं, जो अफोर्डेबल रॉकेट्स बनाने में सक्षम होगी। और यहाँ से शुरुआत होती है इस दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरिंग कंपनी की, जिसका नाम है SpaceX। दोस्तों, अपने पिछले इनिशिएटिव से अर्न $100 मिलियन के साथ इलॉन मस्क मई 2002 में स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉरपोरेशन की स्थापना करते हैं, जिसे SpaceX के नाम से भी जाना जाता है। SpaceX का मकसद रहता है ऐसे रॉकेट्स बनाना जो इलॉन मस्क के सपने को साकार करने के अलावा इस दुनिया को रॉकेट साइंस में एक नई दिशा दिखाएं। SpaceX का पहला अटेम्प्ट फैल्कॉन 1 रॉकेट के साथ 2006 में फेल होता है। इसके बाद अगले 2 अटेम्प्ट भी फेल हो जाते हैं। कहा जाता है कि ये इलॉन मस्क के करियर का सबसे बुरा पड़ाव था, जहां वो एक के बाद एक लगातार फेलियर्स ही फेस कर रहे थे। लेकिन ईयर 2008 में SpaceX फैल्कन 1 को अर्थ के ऑर्बिट में प्लेस करने में कामयाब होती है। इस लॉन्च के साथ फैल्कन 1 दुनिया का पहला प्राइवेट लिक्विड फ्यूल रॉकेट बन जाता है। दोस्तों, उसके अगले ही साल SpaceX को नासा के कमर्शियल रीसप्लाई सर्विसेज के लिए $1.6 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है, जिसके तहत उन्हें इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में नासा के लिए कार्गो पहुंचाने थे। दोस्तों, उसके अलावा 2012 में SpaceX का ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट वर्ल्ड का पहला प्राइवेट व्हीकल बनता है, जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ स्पेस में जुड़ता है। ईयर 2015 में SpaceX फैल्कन 9 नामक एक रॉकेट को सक्सेसफुली लैंड करवाते हुए अपनी रीयूजेबल रॉकेट्स को डेवलप करने के गोल को अचीव कर लेती है। दोस्तों, रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना इलॉन मस्क का एक विजन था, जिसके तहत वो ऐसे रॉकेट्स डेवलप करना चाहते थे जो रीयूजेबल हों। किसी स्पेस एक्सप्लोरेशन में रॉकेट्स सबसे कॉस्टली इक्विपमेंट होते हैं, और इन्हें रीयूजेबल बनाकर इलॉन स्पेस एक्सप्लोरेशन को जितना मुमकिन हो सके उतना चीपर बनाना चाहते थे। दोस्तों, 2020 में SpaceX ने अपनी पहली क्रूड फ्लाइट डेमो 2 लॉन्च की, जिसने SpaceX को वर्ल्ड की पहली प्राइवेट कंपनी बनाया जिसने इंसानों को स्पेस में भेजा था।
दोस्तों स्पेस एक्सप्लोरेशन में नई दिशा दिखाने के अलावा स्पेसएक्स ने 2015 से स्टारलिंक नामक लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट्स का एक ऐसा कॉन्स्टेलेशन बनाने का प्लान किया जो पूरी दुनिया में सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करेगी। लगभग $10 बिलियन के कॉस्ट के इस प्रोजेक्ट के साथ इलॉन मस्क पूरी दुनिया को इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं। दोस्तों ये रही स्पेसएक्स की बात, आइए अब जानते हैं इलॉन मस्क से जुड़ी एक ऐसी कंपनी को जिसने ऑटोमोबाइल की दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाने का काम किया है। दोस्तों टेस्ला, जिसे ओरिजिनली टेस्ला मोटर्स के नाम से जुलाई 2003 में मार्टिन एबरहार्ड और मार्क टैरपेनिंग द्वारा इनकॉर्पोरेट किया गया था, इस कंपनी से इलॉन मस्क 2004 में जुड़े जब उन्होंने इस कंपनी में $6.5 मिलियन इन्वेस्ट किए, जिससे वो टेस्ला के मेजर शेयर होल्डर बने और उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को एज अ चेयरमैन ज्वाइन किया। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद इलॉन मस्क टेस्ला के CEO बनाए जाते हैं, जिसके बाद उन्होंने कंपनी के प्रोडक्ट आर्किटेक्ट का भी रोल प्ले किया। दोस्तों टेस्ला मेजरली इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जैसे इलेक्ट्रिक कार्स, बैटरी एनर्जी स्टोरेजेस, सोलर पैनल्स एक्सेट्रा डिजाइन और मैन्युफैक्चर करती है। इलॉन मस्क के नेतृत्व में टेस्ला ने पहली स्पोर्ट्स इलेक्ट्रिक कार रोडस्टर 2008 में बनाई। इसके बाद टेस्ला ने एक के बाद एक कई कार के मॉडल्स लॉन्च किए, जिसमें मॉडल एस, मॉडल एक्स, मॉडल 3 शामिल हैं। टेस्ला की मॉडल 3 आज वर्ल्ड की बेस्ट सेलिंग इलेक्ट्रिक कार है, जिसके 500,000 से ज़्यादा यूनिट्स डिलीवर किए जा चुके हैं। दोस्तों आज टेस्ला वर्ल्ड की मोस्ट वैल्यूड कंपनीज में से एक है, जिसका मार्केट कैप लगभग $1 ट्रिलियन का हो चुका है। दोस्तों टेस्ला की मदद से इलेक्ट्रिक कार्स और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ इलॉन मस्क ने तो अपने कदम बढ़ाए ही थे, लेकिन वो आम कंजम्पशन के लिए भी अब बायोडिग्रेडेबल फ्यूल्स पे डिपेंड नहीं करना चाहते। इसी कारण से इलॉन मस्क ने सोलर सिटी नाम की कंपनी को एस्टैब्लिश करने के लिए अपने कजन्स लिंडन और पीटर रीव को इनिशियल कॉन्सेप्ट और फंडिंग कैपिटल प्रोवाइड की। दोस्तों इस कंपनी का मकसद था मास लेवल पे सोलर एनर्जी जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी को US के घर घर तक पहुंचाना। 2013 तक सोलर सिटी US की सेकेंड लार्जेस्ट सोलर पावर सिस्टम प्रोवाइडर बन चुकी थी और टेस्ला ने 2016 में इसे $2.6 बिलियन के कॉस्ट पे एक्वायर कर लिया। दोस्तों इलॉन मस्क हमेशा से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर चिंतित रहे हैं। इलॉन का मानना है कि अभी तक हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉपरली कंट्रोल करना नहीं सीखा है और आने वाले समय में ये ह्यूमैनिटी के लिए थ्रेट भी बन सकता है। 2016 में इलॉन मस्क के न्यूरालिंक नामक एक न्यूरो टेक्नोलॉजी कंपनी को एस्टैब्लिश किया, जो ऐसे डिवाइसेस बनाने के प्रयास में है जो ह्यूमन ब्रेन को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से इंटीग्रेट कर सके। आसान भाषा में यूं कहें तो ऐसे डिवाइस जिसके थ्रू आप केवल अपने ब्रेन की मदद से किसी मशीन को इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। इसके लिए आपको बोलने या किसी भी तरह के मूवमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप केवल सोच कर ही किसी मशीन को चला पाएंगे। दोस्तों इन सब के अलावा इलॉन मस्क ने 2016 में द बोरिंग कंपनी नामक एक फर्म को एस्टैब्लिश किया जो टनल्स कंस्ट्रक्ट करेगी। दोस्तों इस कंपनी का उद्देश्य है कि ट्रैवल टाइम को कट करने के लिए टनल्स के थ्रू हाइपरलूप डेवलप किए जाएं, जिसमें एक्सट्रीमली फास्ट ट्रांसपोर्ट सर्विस अवेलेबल की जा सके। इस हाइपरलूप की मदद से घंटों का सफ़र कुछ मिनट्स में करना मुमकिन होगा और इलॉन मस्क के अनुसार आने वाले समय में यह ट्रांसपोर्टेशन को भी एक नई दिशा दिखाने का काम करेगा। दोस्तों इन सारे इनिशिएटिव्स ने जहां एक और हमारी दुनिया के फ्यूचर पे एक गहरा इम्पैक्ट डाला है, वहीं इसने इलॉन मस्क को भी सफलता की सीढ़ियों से ऊंचाइयों पे ले जाने का काम किया है। फोर्ब्स के अनुसार सितंबर 2021 में इलॉन मस्क का नेटवर्थ $200 बिलियन के ऊपर था, जिसने उन्हें वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन बना दिया था। इसके अलावा नवंबर 2021 में इलॉन मस्क पहले ऐसे व्यक्ति बने जिसका नेटवर्थ $300 बिलियन से ज़्यादा था। दोस्तों इलॉन मस्क की जिंदगी से जुड़ी कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज भी हैं जिस पे हम एक नज़र डालते हैं। दोस्तों सितंबर 2018 में इलॉन मस्क को एक ट्वीट के जरिए टेस्ला शेयर होल्डर्स के बीच कन्फ्यूजन स्प्रेड करने के लिए US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन द्वारा सू किया गया था। सेटलमेंट के बाद इलॉन मस्क और टेस्ला दोनों पे $20 मिलियन ईच का फाइन इम्पोज किया, जिसके साथ इलॉन को टेस्ला के चेयरमैन के पद से 3 साल तक स्टेप डाउन करना पड़ा। दोस्तों इसके अलावा 2018 में द जो रोगन एक्सपीरियंस नाम के एक पॉडकास्ट में अपियर होते हुए इलॉन द्वारा ऑन कैमरा कैनाबिस फील्ड सिगार स्मोक करने से कई कॉन्ट्रोवर्सीज खड़ी हुई और इस कारण टेस्ला के स्टॉक्स पे भी असर पड़ा। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप के क्लाइमेट चेंज रिलेटेड स्टैंड को भी इलॉन ने क्रिटिसाइज करते हुए
ट्रंप के दो बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल से रिजाइन कर दिया। इलॉन मस्क के इस ड्रास्टिक स्टेप के पीछे ट्रंप द्वारा पेरिस एग्रीमेंट से यूएस का विड्रॉल था। दोस्तों, कोविड-19 पैंडमिक को लेकर भी इलॉन मस्क द्वारा जारी किए गए पब्लिक कमेंट्स और कंडक्ट को लेकर भी उन्हें क्रिटिसाइज किया गया। लोगों का आरोप है कि इलॉन ने वायरस से रिलेटेड कई मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड की है, जिसमें क्लोरोक्विन प्रमोट करना और डेथ स्टैटिस्टिक्स मैनिपुलेशन की बातें शामिल हैं। इसके अलावा इलॉन ने पैंडमिक के स्टार्ट में क्लेम किया था कि चिल्ड्रन SARS-CoV-2 से एसेंशियली इम्यून है। दोस्तों, इलॉन मस्क ने लॉकडाउन के दौरान कई बार रेस्ट्रिक्शंस को क्रिटिसाइज किया और टेस्ला फ्रीमोंट फैक्ट्री को रीओपन कर लोकल ऑर्डर्स वायलेट किए। दोस्तों, इन क्रिटिसिज्म के बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि प्रेजेंट वर्ल्ड में इलॉन मस्क जैसे कुछ ही विजनरी लीडर्स हैं, जो इस दुनिया में आज की समस्या नहीं बल्कि आने वाले कल में भी खड़ी होने वाली समस्याओं का समाधान ढूंढने में लगे हैं। चाहे वो स्पेस एक्स की मदद से मार्स पे ह्यूमन सिविलाइजेशन का सेटलमेंट हो या टेस्ला और सोलर सिटी के माध्यम से ग्रीन एनर्जी का प्रोपेगेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या इंटरनेट इंक्लूजन, इलॉन मस्क के हर एक इनिशिएटिव ने ये प्रूव किया है कि वो एक प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसमैन की जगह एक ट्रू एंटरप्रेन्योर है और वो अपनी इनिशिएटिव की मदद से ह्यूमैनिटी को एक बेटर फ्यूचर देना चाहते हैं। दोस्तों, ये थी कहानी इलॉन मस्क की। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसी ही किसी ग्रेट पर्सनालिटी को अगली बायोग्राफी सीरीज में कवर करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।